हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत टाइम बाद भी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है क्योंकि मम्मी के घर पे और यहाँ पे भी सोचा था करूँगी स्टार्ट, बट वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, आज थोड़ा सा करती हूँ, नहीं तो फिर मैं चली भी जाऊँगी और कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा। तो अभी अद्विका सही टाइम पर सोई है दोपहर में, नहीं तो वो गलत टाइम पर सोती है और फिर कुछ नहीं होता। तो आज मैं पापा लेकर आए हैं मेरे लिए एक चीज़, जिसके लिए मैं पुणे से फैजाबाद आई हूँ स्पेशली उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा बहुत बचपन फेवरेट था। बचपन में हम सब फैमिली में लोग अक्सर जब भी आते थे फैजाबाद तो खाते थे। सो वो पापा लेकर आए हैं और पापा ने आके बोला, और मेरा सुबह से ऐसा रूटीन हुआ कि मैं अद्विका को एक डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि उसको जुकाम है। तो मैंने कहा चलो फैमिली एक बार दिखा देते होम्योपैथिक डॉक्टर को। वहाँ गई, मम्मी ने पालक और प्याज की पकौड़ी बनाई थी, वो स्किप हो गया, मिस हुआ। लेकिन वहाँ अपने पुराने घर गई, वहाँ भाभी ने सब्जी पूरी खिला दी, वो खाई। फिर यहाँ आने के बाद पकौड़ी में मन लगा था तो पकौड़ी खा लिया अचार के साथ। अब पापा लेकर आ गए जो मेरी फेवरेट चीज़ थी, अब मेरा पेट इतना भरा है कि वो मैं खा नहीं पा रही, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या है। वो ये चीज़ है जो मुझे बहुत फेवरेट है और हम बचपन से खाते थे। ये जब घर पे आता है तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होते कि पूरे घर में इसकी खुशबू आ जाती है। और ये पुणे में नहीं मिला, मैंने पुणे में कितनी बार ट्राई किया नहीं मिला। इसको शैसे सटल्ला कहते हैं। रुको मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी इसको क्या कहते हैं? ये क्या कहा बोले थे, ये सटल्ला बै ना? चैनल में दिखावा थे सटल्ला बै के खस्ता बै का भाई। हाँ ये सटल्ला ना बै। अच्छा तो ये टिकिया है और सटल्ला दूसरी चीज़ होती है। ये टिकिया को मैं बचपन में बहुत छोटी थी तब खाती थी तो मुझे नाम नहीं इतना पता। तो ये बहुत 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 यम होता है एंड ये दूसरी चीज़ है, ये सटल्ला होता है। इसमें आलू टिक्की होती है, देन गार्निश पूरा किया है, चटनी है मीठी सब। बट अभी मेरा टमी इतना फुल है कि मेरा हो नहीं पा रहा, तो मैं शाम को खाऊँगी इसको। शाम को भी ऐसे ही रहेगा, इसका टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना इसके क्रिस्प जो है ये इतना ही क्रिस्प रहेगा, वो भी नहीं ख़राब होगा बोला। लेकिन मैंने एक एक चम्मच सब में से खा लिया जैसा। मम्मी दिखा रही है, देखो मम्मी बर्फ़ी मंगाई है मेरे लिए जो यहाँ की फेमस है, बर्फ़ी और गजक तिल के। तो ये चीज़ें ऐसे जो पुणे में मुझे नहीं मेरे अकॉर्डिंग मिलती, जो मुझे चाहिए हमने जो बचपन से खाई हैं, तो वो चीज़ें स्पेशली मैं लेके जा रही हूँ जो मुझे मम्मी के हाथ का अचार और अचार की वैरायटीज लेके जा रही हूँ मैं। और बाकी है, और मम्मी आज बना रही है निमोना जो बहुत पसंद आता है, और मम्मी के हाथ का स्पेशली, और किसी अपने हाथ का भी नहीं अच्छा बनता। तो अभी अद्विका सो रही है, पापा ऊपर है, मैं ऊपर का काम दिखाती हूँ। ऊपर ले जाते हैं, हम चलेंगे ऊपर, पापा ऊपर है। पापा कपड़े उतारने आए हैं। कपड़े उतारने आए थे क्या आप? कपड़े उतारने आए थे क्या? मैं काम दिखाने आई थी ऊपर, रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं सबको रूम भी दिखा के जाती हूँ ना अपना। मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है, अभी दिन में दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट हॉल है और वो सेकंड स्टोर रूम काइंड बना रहे हैं, और ये लेट बाथ मैंने शैसल लास्ट व्लॉग में भी दिखाया है, बताया था। और तब अद्विका थी तो वानी, अभी ये ऊपर का प्लास्टर चल रहा है। भैया लोग प्लास्टर कर रहे हैं, इधर पर काम चल रहा है, इधर पे पूरा इधर का साइड का प्लास्टर हो गया है, और अभी इस वॉल के इस साइड पे प्लास्टर चल रहा है बाहर के। तो बाहर पे कल वो लगा था स्टैंड, वो स्टैंड हट गया तो नहीं, पूरा साइड का प्लास्टर हो गया है। और ये पाइप फैक्ट्री है, यहाँ पे हमारे मेरी सांस फूल के ऊपर आता था। ये पाइप फैक्ट्री है और एक बगल में मेरे टाइल्स वाली फैक्ट्री है यहाँ की, और यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, मैं जाती हूँ नीचे। अभी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पूरा ख़राब, जब पूरा बन जाएगा तब बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी यही चल रहा है। सब इसमें देखो, सब में धूल मिट्टी जम गई है। ये
ब्रह्म कमल का पेड़ है तो ये बहुत पवित्र होता है, तो इसको इससे दूर ही रहना है, इसको टच ही नहीं करना है। और ये मेरी पेंटिंग जो मैंने मम्मी के लिए एयरफोर्स की पेंटिंग बनाई है, ये वो है, ये पूरा ये ग्लास पेंटिंग है पूरी, ये पूरा ग्लास पेंटिंग बनाई है अंदर से। ये थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है, सबसे फेवरेट ये लगता है। इवन घड़ी भी पापा ने लगाई है एयरफोर्स वाली। हाँ तो अभी पापा इधर बैठे हैं और पापा का इधर पे जो अचीवमेंट लाइफ अचीवमेंट चीजें हैं वो यहाँ पे, तो आज पापा एक्सप्लेन करेंगे मुझे। उसी बहाने ये जो मैंने कल आपको बताया था डस्टिंग करनी है, कल वाणी अभी अधिविका सो रही है तो ये भी हो जाएगा काम, और सारी चीजें जो है एक बार मेमोरीज दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी पापा के साथ बैठ के। तो स्टार्ट करते हैं सारा काम अभी। ये फ्रेंड्स अभी यहाँ पे पापा का सारा जो भी सामान था मैंने बाहर निकाला, पापा ने डस्टिंग खुद से करी और यहाँ पे मैंने सब रखा है। पापा एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मुझसे ज़्यादा नॉलेज पापा को है इस फील्ड की, तो पापा ही बताएंगे अच्छे से, एंड देन उसके बाद में उसको पापा के बॉर्डर में अच्छे से फिर लगाऊंगी। विंटर में एंड समर में भी सेरेमोनियल ओकेजन पे यूज करते हैं। अच्छा, इंजीनियर फोर्स के अंदर। ओके, जब परेड वगैरह कुछ होना हो एंड एनी अदर ओकेजनल सेरेमोनियल ओकेजन, सेरेमोनियल विशेष प्रोग्राम में जब हम लोग बुलाए जाते थे तब इस ठीक है पर प्रयोग उस समय हम लोग करते थे। ये हमारी ये और ये दीज आर मनी टाइप्स ऑफ यू कैन से फ्लाइंग कैप, और ये कैप जो है हम डिफरेंट टाइप के यूनिफॉर्म में भी यू कैन से हम जब फ्लाइंग ओवरऑल पहनते थे उस समय हम ये इसको पहनते थे, उसको यूज करते थे। और आप लोग जैसा है एक वन बाई वन आप देख सकते हैं, सब में इंजीनियर बोस का लोगो है, जहाँ जहाँ हम थे कहीं कहीं श्रीनगर हिंडन वहाँ के भी आपको लोगो मिलेंगे। और ये हमारी जो है साइड कैप है जो ऑलवेज हम लोग यूनिफॉर्म में इसको यूज करते हैं इस कैप को। और ये टाई है ब्लैक टाई जो हमारे यूनिफॉर्म का एक पार्ट है, विंटर यूनिफॉर्म का एक पार्ट है। ये हमारी बेल्ट है, ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म की बेल्ट है जो हम कॉम्बैट यूनिफॉर्म कहते हैं और इस कैप पर लगाते हैं। अच्छा, जंगल यूनिफॉर्म जो आप जंगल यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं और कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसके लिए ये कैप, ये बेल्ट है और ये कैप है। ये मोमेंटो है हमारे इंडियन एयरफोर्स का, हमारे सेंसियो में से रिटायरमेंट के बाद पहले दिया गया था। और ये जो आपके रैंक्स हैं ये कौन कौन से इसकी हैं? ये हमारे एमडब्ल्यू की रैंक है, लास्ट रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन, उल्टी है मास्टर वारंट ऑफिसर बोलते हैं इसको, सॉरी मास्टर वारंट ऑफिसर बोलते हैं इस रैंक को। जब हम लास्ट कैरियर ऑफ माई सर्विस, ये हमको हमारा लास्ट अचीवमेंट है, लास्ट प्रमोशन है। उसके बाद ऑनरी कमीशन हमको मिला था, उसकी रैंक ये है, फ्लाइंग अफसर की रैंक ये है, ऑनरी कमीशन फ्लाइंग अफसर आर्मी में जिसको हम लेफ्टिनेंट बोलते हैं, इंडियन 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 एयरफोर्स में इसको हम फ्लाइंग अफसर बोलते हैं। अच्छा, और ये भी एमडब्ल्यू की रैंक है जो हम इस कलर की जो फ्लाइंग सूट होता है ओवरऑल इसको बोलते हैं उसके लिए। अच्छा, ये जो ओवरहॉल है एक यूनिफॉर्म का है और ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म की रैंक है। हाँ, ओके। और ये सेम ही रैंक है आपकी बट डिफरेंट यूनिफॉर्म पे जो यूज होती है ना, सेम ही सेम ये है, ये अलग यूनिफॉर्म पे पहन देती है, ये अलग पे,
एंड ये अलग पे, ये रेन ओवरहॉल की है, ये कम बैक की है और वो यूनिफॉर्म की है, है ना, वही तो। और ये भी ओवरहॉल की नेम टाइप है, अच्छा, प्लेट कह सकते हैं, नेम टाइप बोलते हैं सर्विस टर्म में। और ये भी नेम टाइप से ओवरहॉल की, डिफरेंट टाइप की नेम टाइप्स इंग्लिश में और हिंदी में। ये इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है, हमारी कमेट यूनिफॉर्म का एक पार्ट शोल्डर पे लगता है। और ये हमारे रिबन्स है जो हमको फील्ड एरिया में और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टन सर्विस 9 इयर्स 12 इयर्स 14 इयर्स 21 इयर्स उसमें रिबन मिलता है हमको यूनिफॉर्म में पहनने के लिए, यूनिफॉर्म के ऊपर लगाने के लिए। ये हमारे मेडल्स हैं सर्विस में मिले हुए थे। तो ये मेडल से ये क्या ईयर वाइज या पोजीशन वाइज कैसे आपको ये मेडल्स जो हैं, ये फील्ड एरिया में हम जो पोस्टिंग हुई उस समय मिलता है, नागालैंड श्रीनगर फील्ड एरिया आप कह सकते हो, फील्ड एरिया में जो हमारी पोस्टिंग 2000 जो हमारा टेंडर पूरा का होता था उसमें हमको ये मेडल मिलता था। और उसके बाद जब हम 9 इयर्स सर्विस कंप्लीट करते हैं तब मिलता है। ये 9 इयर्स वाला है आपका? 9 इयर्स का भी है, ये 20 इयर्स का है, 20 इयर्स का है, 29 इयर्स का है, जिसको लॉन्ग सर्विस मेडल कहा जाता है। अच्छा। और ये हमारे एयरफोर्स के रिटायरमेंट का एक फेयरवेल, हाँ फेयरवेल मोमेंटो है जिसको हमारे सक्सेस तरफ से मिला था। ये हमारी मेटल की नेम टैप्स हैं जो हम बिल यूनिफॉर्म में पहनते थे। एक्चुअल यूनिफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स ब्लू। और ये भी आपको मिला था ना ये वाला? हाँ हाँ ये भी हम एक श्रीनगर का, ये चिनार लकड़ी का बना हुआ है मोमेंटो। ये हमको जब हम श्रीनगर में हमारी पोस्टिंग हुई थी तब हमको मिला हुआ था। सो फ्रेंड्स सारी चीज़ें फाइनली मैंने सेट कर दी, तो मैंने लगा दिया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिस्प्ले हुआ तो हर एक चीज़ अच्छे से नज़र आ रही है। और पापा की जो पी कैप है वो मैंने ऊपर ही रखी है क्योंकि वो उधर वाली रैक पे सेट नहीं हो पा रही थी। बाकी चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया, जो मैं आपको लास्ट का एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ उधर का। फाइनली ये मैंने सेट कर दिया, इसमें मैं लाइट बहुत कम है इसलिए चीज़ें इतनी अच्छे से विजिबल नहीं होती है। तो ये है सारी, मैंने एक साइड पे कैप रख दी एंड देन ये सारी चीज़ें पापा की रखती हैं इधर पे। ये है पापा के पी कैप और ये है पापा का लास्ट मोमेंट जब पापा की रैंक चेंज हो रही थी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो MW की रैंक को हटा के वहाँ पे ऑन द फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पापा को लगाई जा रही है और यहाँ से पापा का रिटायरमेंट स्टार्ट हो गया। देन ये जो मैंने पिक आपको दिखाई थी लास्ट में, ये बहुत ऊपर लगी है तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, ये पिक बहुत ऊपर लगी है। इसमें पापा ने जो रैंक लगाई रिटायरमेंट के बाद का दिन है, पापा आ चुके थे तब की फ़ोटो है, इसमें उनकी रैंक चेंज हो चुकी है, वहाँ पे ऑन द फ्लाइंग ऑफिसर HFO की रैंक लगी हुई है पापा को। तो बहुत बड़ी फ़ोटो है तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती इसको। देन ये पापा की कार लेने के टाइम की फ़ोटो है और बाकी तो मैंने आपको दिखाया पापा की। ये जो फोटो है ये जब वाली पिक जो पापा की है तब की है जब पापा ने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, और वो वाली जो पिक है वो तब की है जब पापा ने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया था। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी, अभी बस अधिका सो रही है तो मैं भी लंच थोड़ा करती हूँ, उसके बाद मैं भी जा रही हूँ रेस्ट करने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई चीज़ के साथ पापा के घर पे। और तब तक ले बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ लाइफ इज़ वाइफ, फॉलोड बाय।